अब दिग्गज बाहर निकल चुके हैं कांग्रेस के तमाम नेता। इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर आप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मधुसूदन मिस्त्री को अच्छा, देख पा रहे हैं। एक ही चीज है, आज हम एसीसी के ऑब्जर्वर्स के लिए मीटिंग था, पार्लियामेंट लेवल तक ऑब्जर्वर्स था, उनका मीटिंग था मॉर्निंग में, उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी मीटिंग कर चुके। हम पूरा इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में डिस्कस हो चुका, एक ही साथ कहना चाहता है राजस्थान फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल आने हैं। वी आर विनिंग राजस्थान अगेन डेफिनेटली, दिस इज द सिचुएशन। हम का इलेक्शन का मेन मुद्दा सरकार का पुअर फ्रेंडली स्कीम के बारे में है, चिरंजीवी स्कीम, सिलेंडर वाला स्कीम, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, दिस मच स्कीम, विच स्टेट यू कैन सी दिस मच स्कीम फॉर पुअर पीपल। हियर द फाइट बिटवीन पुअर एंड रिच। कांग्रेस आम लोग के साथ है, बीजेपी अमीर लोग के साथ है। द फाइट इन द राजस्थान इज गोइंग टू बी पुअर वर्सेस रिच। वी आर गोइंग टू विन दिस इलेक्शन comfortably. We are very sure. Today we had meeting with all the leaders. All leaders have given their view. Everybody is confident about the government scheme. People are very much happy. BJP is trying to defame the government, but people are not going to believe this. We will win this election. That's all. Thank you. Aye. आपके एमएलए गोपाल पर अली सत्या का आरोप लगा है, जूते चटवाने का आरोप लगा है, क्योंकि क्या मापदंड है सितंबर में पहली सूची आ सकती है? देखिए, जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसमें पहले ऑब्जर्वर जो हमने लगाए हैं, स्टेट के ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में 25 सामने जो अलग अलग स्टेट्स के सीनियर लीडर्स हैं उनको हमने लगाया, और उनके साथ पूरी डिस्कशन हुई है कि आप वहां जाकर पूरा दिन वहां रहिए और सभी लोगों के साथ मिलकर क्या वहां का सिनेरियो है, कैसे इलेक्शन लड़नी है, क्या करना है, उनके सजेशन लेकर वो हमें सजेशन देंगे, हाईकमांड को देंगे, उसके बाद हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट। सेकंड जो मीटिंग थी वो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग जो स्टार्ट हुई, उसमें बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, और सबसे ज्यादा एक आवाज में सबका एक ही कहना था कि हम राजस्थान को रिपीट करेंगे। ये मैं कह सकता हूं कि जो योजनाएं राजस्थान की गवर्नमेंट ने लागू की है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, राइट टू हेल्थ बहुत बड़ी चीज है जो राजस्थान में किया, साथ में जो ओपीएस है वन पेंशन जो है वो एक राजस्थान स्टेट है जिसने लागू किया, 200 यूनिट बिजली के हैं, और कल ही बहुत बड़ा उसके ऊपर ऐलान हुआ 2500 करोड़ का जो फ्यूल चार्जेस हैं वो भी माफ कर दिए गए, किसानों के 2000 यूनिट माफ कर दिए गए, 1000 पेंशन की वो मैं देख रहा था कि जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब तब ही जो है पेंशन की इंस्टॉलमेंट बढ़ाई गई, पहले 250 था फिर 500 किया, 500 750 से 1000। हम लोगों में जाएंगे अपने काम के ऊपर, और जैसे वेणुगोपाल जी बोलकर गए हैं पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट है जो 500 पर सिलेंडर सब्सिडी दे रही है, कहीं नहीं है। उन्होंने जो कहा कि हमारी कांग्रेस गरीबों के साथ है, हम अमीरों के साथ नहीं है,
हम उनके साथ नहीं हैं जो पैसा लेकर भाग जाएंगे, जो करोड़ों रुपए देश के लेकर भाग जाएंगे। हम उनके साथ हैं जिनकी 500 रुपए या 200 रुपए जिनकी आया है, उनको कैसे, गरीबों को कैसे, गरीबी का जो इंदिरा जी ने नारा दिया था आज से 50 साल पहले, हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और साथ ही जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि कैंडिडेट्स कब होंगे, हमारे कैंडिडेट्स तैयार हैं। हम किसी टाइम भी सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक हमारी पहली लिस्ट जो आएगी और बहुत काफी नंबर जो होंगे वो हम पहली लिस्ट हम अपनी अनाउंस करेंगे। और हम सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी और यूथ जो है उनको भी पूरी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, हर आदमी को जो दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को हम सुन रहे थे, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स का लिस्ट तैयार है, सितंबर के पहले सप्ताह या आखिरी सप्ताह तक पहली लिस्ट जारी कर ली जाएगी। और ये भी कहा गया कि युवाओं पर फोकस रखा गया है, युवाओं को वरीयता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पहले केसी वेणुगोपाल को भी हमने सुना, बैठक लेने के बाद केसी वेणुगोपाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अपना काम लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर दोबारा से कांग्रेस की सरकार ही रिपीट होगी। तो एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, पहले पर्यवेक्षकों की बैठक हुई और उसके बाद पीएसी की खास बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब आ चुके हैं, कुछ बोलने वाले हैं, सुनाते हैं। मैंने कहा कि फैसला हुआ कि हम रिपीट करें कांग्रेस के, हमारी जो योजना सबसे बड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी देखिए हमारी कांग्रेस में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, इनको भी पता है और सभी हमको पता है कि कांग्रेस के में हमेशा विनेबिलिटी और कांग्रेस की लॉयल्टी को देखा जाता है। जो विनिंग होगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि क्या है वो पुलिट में, हम पार्टी वाइज भी देखेंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है इनके बारे में भी हम उनका देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या, इनके एमएलए ने, इनके मंत्रियों ने, ये वो देखेंगे पार्टी की तरफ से। फिर हम इकट्ठे बैठकर तुम्हारा कलेक्टिव डिसीजन होगा, यूनैनिमस डिसीजन होगा और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर एक आवाज में इलेक्शन लड़ेगी और पूरे हिंदुस्तान में पता चलेगा जो बीजेपी कभी किसी के ऊपर ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल रही है, राजस्थान के ना लीडर कोई डरता है और ना कोई राजस्थान का वर्कर डरेगा। हम उनके इन बातों का कटकर जवाब देंगे। ऐसा कोई नहीं कि किसी मंत्री के ऊपर, कभी सीएम साहब के किसी आदमी के ऊपर कोई किया जाएगा, उसका हम सभी कांग्रेसी एकजुट होकर खड़े हैं कि ना हम अंग्रेजों से डरे हैं, ना हम ईडी से डरेंगे, ना बीजेपी की जो एक्सेसिव कर रहे हैं ना उनसे हम डरेंगे। अच्छी मीटिंग हुई, दो मीटिंग अच्छी हुई थी। एक मीटिंग तो जो 25 बने पर्यवेक्षक बने हैं लोकसभा के स्तर के, उनके यहां मीटिंग हुई और वो लोग 17 तारीख को सभी लोग एक साथ में लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, जो बने हैं पर्यवेक्षक बने हुए एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहां पे, जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी, वहां के नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर, 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे। तीनों हमारे सेक्रेटरी वाले दौरे कर रहे हैं, उनकी अलग भूमिका है। और आने वाले वक्त में एक एक विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे, वो उस विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे कि तमाम निर्णय बैठ करके मीटिंग में हुए। दूसरी मीटिंग जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई गई है,
वही करीब करीब हमारे पीसी के मेंबर भी हैं। ये भी तय है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी एक मीटिंग बुला करके, रंधावा साहब के सानिध्य में मीटिंग होगी और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी पीसी के मेंबरों को, वो खुद जाकर के वहां जिलों के दौरे करे, वहां मीटिंग करे, बातचीत करे, वहां के ब्लॉक अध्यक्ष क्या सोचते हैं, जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, वहां के एमएलएज, एक्स-एमएलएज, जिलाध्यक्ष, एक्स जिलाध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला प्रधान या जो इम्पोर्टेंट मेंबर है, जिला परिषद के, पंचायत समिति के मेयर है, वहां के पार्षद है, सबकी राय लेकर के वो शॉर्ट लिस्ट करने का प्रयास भी करेंगे। उसके बाद में जो कर्नाटक का जो मॉडल था वो मॉडल अपनाया जाएगा राजस्थान के अंदर भी। एक तरफ तो सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी शुरू करके, और हम चाहेंगे कि सितंबर के एंड में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कैसे हम लोग एक लिस्ट निकाल दें, ये हमारा प्रयास है। उसी रूप में ये काम आगे बढ़ेगा और सबका एक राय है कि सब मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान के अंदर। कोई मन मुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है। और मीडिया से मैं अपील करना चाहूंगा, आप हमारे छोटे बड़े मतभेद तो हिंदुस्तान में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसमें नहीं होते हैं, पर सबकी मंशा एक है, चुनाव में जीतना है, सरकार में बनानी है, उसमें सबकी एक राय है। तो मीडिया को चाहिए अनावश्यक जो है अगर छोटे मोटे मतभेद भी होते हैं तो उसको फैलाने का प्रयास नहीं करें। मीडिया की भूमिका में देखी है कि उनको बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि न्यूज बनती नहीं है बगैर उसके, बगैर तड़का दिए न्यूज नहीं बनती है। तड़का देना बंद करो, ये चुनाव खाली राजस्थान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये चुनाव देश के फ्यूचर को लेकर है राजस्थान के चुनाव। क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे कर्नाटक सरकार गिर गई, महाराष्ट्र गिर गई और मध्य प्रदेश गिर गई, यहाँ प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है। आग लगी हुई उनके दिल के अंदर, वो जो सरकार नहीं गिरने दी, बाद में और अटेम्प्ट करने का प्रयास किया इन्होंने, इनको मौका नहीं दिया कि वापस अटेम्प्ट करके कामयाब हो, वो आज भी दिलों में आग लगी हुई है, वो बदला हम लेंगे इस चुनाव के अंदर। उसी रूप में मोदी जी 6 दौरे कर चुके हैं, अमित शाह जी को कमी नहीं रख रहे हैं, योजनाएं और षड्यंत्र ऐसे जा रहे हैं, गृह विभाग बैठ करके, वो मिनिस्ट्री बैठ करके, हमें मालूम इस बात की जानकारी है, इन तमाम बातों को हमारे जैन में है और हम बता देंगे कि जो आपने अटेम्प्ट किया था राजस्थान के अंदर सरकार गिराने का और आप गिरा नहीं पाए हो, वही प्रदेश जनता ने कोरोना में साथ दिया हमारा, हम लोग कामयाब रहे कोरोना को मैनेजमेंट करने के लिए, दुनिया में जाते हैं नाम रोशन हुआ, WHO तक ने तारीफ करी, वही भावना अब भी है। प्रदेशवासियों ने तय कर लिया है जो सरकार गिराने के लिए जिस रूप में इन्होंने षड्यंत्र किया था उस षड्यंत्र को फेल कर दिया हमने, और उसलिए इस बार जनता मौन लगाएगी सरकार रिपीट करने के लिए, जिससे इनको सबक मिले आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप सरकारों चुने हुई सरकारों गिरा रहे हो, और इसलिए ये सबक सिखाने का मौका राजस्थान से आया है। मुझे पूरी विश्वास है कि इस बार प्रदेशवासी जो है, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दें, कितने साधन चौंक दें, लच्छेदार भाषण दे दें, पर हमारी गवर्नेंस जो है, हमारी स्कीम जो है, हमारी स्कीम जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में काम हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में काम हुआ है, बाढ़ जोड़ो यात्रा में जो 4 मुद्दे थे राहुल गांधी के, महंगाई, बेरोजगारी और साथ में प्यार मोहब्बत भाईचारा, मोहब्बत की दुकानें खोलने की बात थी, और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं बढ़नी चाहिए, वही मुद्दा लेके हम चल रहे हैं और इस चुनाव में हम अवश्य कामयाब होंगे। ये संकल्प सबने बैठ करके लिया है मीटिंग के अंदर और उस संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे और सरकार रिपीट करेंगे जनता का आशीर्वाद। इस पर बहुमत रहेगा नहीं, भारी बहुमत रहेगा। मिशन 156 जो मैंने पहले कहा था आपको, मिशन 156 उसको टारगेट बना के हम चल रहे हैं, उस मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे, मैं कह सकता हूँ। सर 23 साल निर्वाचन आयोग को लेकर, भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर AICC में भी नेता सवाल उठा रहे हैं कि नियुक्ति में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाना है, कोई आशंका है क्या चुनाव से? देखिए,
जो नया कानून आया है उसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें सीजीआई को निकाल दिया है, सीजीआई को निकाल दिया। मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे पता नहीं कि आईसीसी का क्या फैसला हुआ होगा या क्या कमेंट किए हैं, मैंने देखा नहीं अभी। मेरा व्यक्तिगत विचार है सीजीआई को जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और साथ में सीजीआई तीनों मिलकर फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन करेंगे। नया कानून जो पास करवाया गया है उसके अंदर सीजीआई का नाम हटा दिया। मैं समझता हूं इसी में संदेह पैदा होता है, आप जुडिशरी के जो हेड है सीजीआई उसका नाम चयन में क्यों हटाया गया और एक मंत्री को नॉमिनेट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, तो फिर उसका मायने क्या रहा, फिर क्या मायने रहा है जो जो भावना थी सुप्रीम कोर्ट की उसकी आप धरिया उड़ा रहे हो। इसलिए आपको चाहिए सीजीआई तो उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए, तब जाके आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। सर, गोपाल मीणा के खिलाफ सर मुकदमा दर्ज हुआ है, सर आपके एमएलए गोपाल मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अरे ऐसे मुकदमे आपको मालूम पड़ जाएगा सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मान लो कोई एमएलए है, मंत्री है, कोई भी है, अगर लगे वास्तव में इस न्यूज में दम है तो आप उसको 2 कॉलम 3 कॉलम दो, सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो मीडिया को देख करके फीडबैक लेकर ये कार्रवाई करने में हिचकते नहीं है। तो आप देखिएगा कि अगर मान लो कोई बिना तथ्यों की न्यूज आ रही है, अगर आप देखते हो कि ये झूठी न्यूजें हैं, तो मीडिया को भी चाहिए कोई भी न्यूज को फ्लैश करने के पहले सच्चाई क्या है। मैंने सुबह आदेश दे दिए है, शाम तक पूरी रिपोर्ट मेरे पास आएगी और अगर मैं उसी समझूंगा तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। धन्यवाद। सर, मणिपुर की घटना को प्रधानमंत्री के जवाब पर होगी मिशन 156 पर, कांग्रेस निकल चुकी है विधानसभा की 200 सीटों पर, कांग्रेस मिशन 156 पर निकल चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार रिपीट होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।